हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि हमने पूरे अध्याय में इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रसव होता है, जो लेबर होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको सामान्य रूप से चलने के लिए या घटित होने के लिए पर्याप्त अवधि, मतलब पूरा समय कि और उसके साथ साथ अच्छी तीव्रता वाले यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है, पर्याप्त समय और अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आने के बावजूद भी जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो नीचे की ओर प्रगति उसमें दिखाई नहीं देती, नीचे की ओर आती हुई कोई प्रगति उसमें दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार की कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन भी अच्छे आ रहे हैं और लेबर का पूरा समय भी हो चुका है, अच्छे तीव्रता इंटेंसिटी वाले अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आने के बावजूद भी जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की ओर नहीं आता, तो इस प्रकार की कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। इसके यह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 1 या 2% केसेस में पाया जाता है। अब इसमें हम कॉसेस देखें तो इसके कुछ कॉसेस होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में हम देखेंगे जो मुख्य रूप से फीटस या गर्भ शिशु होता है, ठीक है, उसे हम पैसेंजर कहते हैं, और जहाँ से फीटस बाहर आता है उस मार्ग को हम पेसेज कहते हैं। तो इन दोनों में पाई जाने वाली असामान्यता की जो स्थिति होती है उनके कारण ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति पैदा होती है। तो हम देखेंगे कि जो फीटस होता है, मतलब पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर संबंधित कुछ असमानताएँ, कुछ स्थिति होती है जो हम नीचे बताएंगे। तो फर्स्ट है, जैसे हम देखेंगे कि जो फीटस है, मतलब जो पैसेंजर है, फीटस मतलब पैसेंजर, तो उसको नीचे आने में कठिनाई या होती है, तो किन कारण से कठिनाइयाँ हो सकती है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अत्यधिक बड़े आकार का गर्भस्थ शिशु, मतलब बड़ा वेट, अधिक वेट वाला, बड़े साइज वाला जो फीटस होता है उसके कारण बाहर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन पैदा होती है, ये एक कॉज हो सकता है उसका फर्स्ट। सेकंड देखेंगे हम लाई, असामान्य लाई, जैसे कि ट्रांसवर्स लाई की उपस्थिति, ट्रांसवर्स लाई की उपस्थिति, यदि बेबी क्या है जो फीटस है वो ट्रांसवर्स मतलब आड़ी, हमने इसके पहले आपको पिछली क्लास में बताया है लाई के बारे में, जो बेबी की लाई होती है ऑब्लिक लाई होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, इस प्रकार से हमने जो लाई देखा था एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, तो ऑब्लिक या ट्रांसवर्स जो लाई होती, इस प्रकार की अगर कंडीशन होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन पैदा होती है और इसके कारण की ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति बनती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम असामान्य प्रस्तुति, जैसे कि प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन, जैसा कि इसमें हमने सामान्य प्रेजेंटेशन बताया था जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, इसके अलावा जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसमें हमने देखेंगे जैसे कि ब्रो प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा इन्फेक्टेड फ्रैंक या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रकार के अगर प्रेजेंटेशन है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ये मे बी ये कॉज है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होने का। इसके अलावा हम फोर देखेंगे पोजीशन, पोजीशन में हमने देखा कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन होती है वो सामान्य होती है, लेकिन हमने देखा इसमें जो पोजीशन पोस्टीरियर, जैसे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है असामान्य प्रकार की होती है, तो इसमें भी ये भी मे बी कॉज हो सकता है गाय का ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो फीटस होता है, फीटस मतलब गर्भ शिशु में जन्मजात विकृति, कंजेनिटल एबनॉर्मलिस जैसे कि हाइड्रोसिफिलिस, कंजेनिटल एबनॉर्मलिस जैसे कि हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस जो होता है, हाइड्रोसिफिलिस के कारण भी
बेबी को बाहर आने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फीटल एसआईटी से फीटल ट्यूमर है आदि की उपस्थिति के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति पैदा होती है। इसके बाद हम देखेंगे लॉक्ड एंड कॉन्जुनेट ट्विन्स, लॉक्ड या कॉन्जुनेट ट्विन्स बेबी है इस कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा पैसेंजर, पैसेंजर मतलब फिटस के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति होती है वो देखा। अब हम देखेंगे पैसेज मतलब मार्ग में से संबंधित जो भी असमानता होती है उसके कारण होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन। अब कौन से ऐसी कंडीशन बनती है मार्ग में या पेसेज में, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण भी ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर हो सकता है। दूसरा है पेल्विस की अस्थियों या में ट्यूमर होना, पेल्विस की अस्थियों में ट्यूमर होने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाइकल डिस्टोसिया भी हमने पढ़ चुका है, सर्वाइकल डिस्टोसिया के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे वेजाइनल स्टेनोसिस। ठीक है, वेजाइनल स्टेनोसिस के कारण भी इम्पेक्टेड ओवेरियन ट्यूमर्स के कारण भी पेसेस में असमान ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या पैथोलॉजिकल रिंग की उपस्थिति यदि है पेसेज में तो भी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन बनती है। तो इस प्रकार से हमने पेसेज में जैसे होने वाले असमान स्थिति जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एसीफिलो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन है, पेल्विस अस्थियों में ट्यूमर है, सर्वाइकल डिस्टोसिया है, वेजाइनल स्टेनोसिस है, पैथोलॉजिकल रिंग है और इम्पेक्टेड ओवेरियन ट्यूमर्स। ये पेसेज में इस प्रकार की यदि कोई असमानता पाई जाती है तो इसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा लेबर में और कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव की होगी और फिर बेबी बाहर आने में दिक्कत पैदा होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्टली हम देखेंगे सर्विक्स के विस्तारण की दर कम होने के कारण जो फीटस है गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटिंग पार्ट में नीचे की ओर किसी प्रकार की कोई प्रगति होने के कारण प्रसव की अवधि लंबी होगी। मतलब जैसे कि जो सर्विक्स का डायलेटेशन की जो रेट है, सर्विक्स जब डायलेट होता है तो ये सर्विक्स जो है सर्विक्स के जो डायलेटेशन की रेट होगी नॉर्मली जो रेट होती है, हमने देखा कि जो प्राइमरी पेरा में जो 3 सेंटीमीटर तक के डायलेटेशन होने तक की जो रेट होती है प्राइमरी पेरा में वो 1.5 होती है और मल्टीपेरा में 1 सेंटीमीटर होती है और 3 सेंटीमीटर के बाद में ये दर बढ़ जाती है, जैसे प्राइमरी पेरा में 1 सेंटीमीटर और मल्टीपेरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स होती है। तो ये जो रेट होती है रेट कम हो जाती है किसमें, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सर्विस के विस्तारण में जो विस्तारण की जो दर होती है रेट होती है कम हो जाती है जिसके कारण गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटिंग पार्ट में नीचे की ओर कोई प्रगति नहीं होने के कारण प्रसव की अवधि क्या होती है लंबी हो जाती है। ठीक है, सेकंड देखेंगे महिला को अत्यधिक पेन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण महिला को अत्यधिक पेन होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, महिला अत्यधिक थक जाती है, जो पेशेंट है वो बहुत अधिक समय लगने के कारण अधिक प्रेशर लगाने के कारण वो थक जाती है, तो इसके ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फोर्थ देखेंगे हम डिहाइड्रेशन होगा और कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, कीटो एसिडोसिस
डिहाइड्रेशन भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो अधिक थकान के कारण निर्जलीकरण भी है, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में और ऐसी कीटो एसिडोसिस की कंडीशन भी बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका जो वेजाइन है वो शुष्क मतलब ड्राई हो जाएगी। सिक्स हम देखेंगे कभी कभी जो एब्डोमेन होता है उसमें बंडल्स रिंग भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कभी कभी एब्डोमेन में बंडल्स रिंग भी दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो दिखाई देंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे मेटरनल कॉम्प्लिकेशन, मदर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम मेटरनल डिस्ट्रेस, क्या होगा मेटरनल डिस्ट्रेस। सेकेंड मेटरनल डिस्ट्रेस में क्या होगा, अत्यधिक दर्द होगा, थकान होगी, डिहाइड्रेशन होगा और इसके अलावा उसकी एंजाइटी होगी। एंजाइटी के कारण क्या होगा, गर्भवती माता में डिस्ट्रेस की कंडीशन पैदा होगी। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल तथा कीटोन्स के एकत्रित होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूट्राइन रप्चर, थर्ड है यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर कैसे होगा कि जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उस वो क्या होता है, अत्यधिक पतला होता है, जिसके कारण यूट्रस में जो पतली वॉल होने के कारण रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूट्रस रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम जेनाइटल इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन प्रसव की प्रक्रिया में अत्यधिक लंबा समय होने के कारण तथा बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के कारण झिल्लियों के फटने के बाद अक्सर ये संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार हम पीवी करते हैं और जिसके कारण कि वो मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होने के चांसेस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेसिको वेजाइनल फिशुला, जो ब्लडर होता है और तथा जो पेसिस होता है मार्ग, जो डिलीवरी का जो मार्ग होता है सर्विक्स में, किसी भी प्रकार की इंजुरी के कारण वेसिको वेजाइनल फिशुला का निर्माण, बार बार पीवी के करने के कारण उसमें चोट लग सकती है और जिसके कारण वेजाइनल फिशुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रसव पश्चात रक्तस्राव, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। गर्भाशय की एटोनिसिटी तथा जननाल में चोट लगने से क्या होता है, लगने के कारण प्रसव पश्चात पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण महिला शॉक में जा सकती है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, पेशेंट शॉक में चल जाएगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट शॉक में जाने की संभावना इसमें रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैटरनल डेथ, अत्यधिक कंडीशन खराब हो जाती है, अगर बहुत जल्दी पेशेंट शॉक में चले गई, हमने तुरंत उसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। मैटरनल डेथ, मैटरनल डिस्ट्रेस के कारण भी मेटरनल डेथ हो सकती है। फिर डिहाइड्रेशन या कीटो एडिसोसिस एसिडोसिस के कारण उसका जो उपचार या उसका ट्रीटमेंट किए बिना अगर हम लोग उसको सीजर कर देते हैं पेशेंट का, तो ऐसे कंडीशन में भी मेटरनल डेथ हो सकती है। फिर यूट्राइन रप्चर के कारण भी मेटरनल डेथ हो सकती है। तो ये है अत्यधिक ब्लडिंग होने के कारण या फिर यूट्राइन रप्चर होने के कारण या कीटो एसिडोसिस या डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट किया बिना, उसे बिना आईवी रिंगर लेक्टेट या ड्रिप स्टार्ट किए बिना फ्लूड
कि वैसे ही उसके शरीर में कमी हो जाती है, और फिर तुरंत अगर हम सीजर के लिए ले जा लेते हैं पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट किए बिना, या ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, उसको ब्लड नहीं चढ़ाया और हमने तुरंत उसका सीजर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में मैटरनल डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फीटस संबंधी फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। यूटेरो प्लेसेंटल परिसंचरण चरण, मतलब यूटेरो प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन होता है उसमें बाधा होने के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, यूटेरो प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण शिशु जो क्या होता है फीटस में एस्फिक्सिया हो सकता है, जिसके कारण फीटल की डेथ हो सकती है। डिलीवरी के दौरान गर्भस्थ शिशु या फीटस में चोट लग सकती है, नेक्स्ट हम देखेंगे अत्यधिक मोल्डिंग के कारण इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीटल इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बहुत देर तक बेबी यूट्रस में रहने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर स्टिल बर्थ भी ज़्यादा होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में अगर डिलीवरी जल्दी नहीं कराई जाए तो स्टिल बर्थ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखे फीटल कॉम्प्लिकेशन में फीटस को एस्पेक्ट क्या होगा, फीटस को चोट लग सकती है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, फीटल इन्फेक्शन हो सकता है, और स्टिल बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में बताया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है, उसके क्या कॉजेस है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया। अब हम इसका मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।